तो अभी पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, एक्साइटेशन ऑफ न्यूरॉन एंड कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, है ना आनंद? और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह से जो है न्यूरॉन एक्साइट होती है, ठीक है, किस तरह से उसके मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज आता है और किस तरह से जो सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन अप होते हैं, ठीक है। तो उसी को रिकंटिन्यू करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, जैसे कि मैंने बताया था ये जो है न्यूरॉन है, ठीक है, यही डायग्राम बनाया था पिछली बार भी हमने। इसमें क्या हुआ था गगनदीप, सबसे पहले क्या इवेंट हुई थी, सबसे पहली क्या इवेंट हुई थी, सोडियम आयन से भी पहले क्या इवेंट हुई थी, सिग्नल आया था। कहाँ से आया था, किस तरफ से आया था, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से। किधर से आया था, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कौन है, ये वाली, ठीक है। प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन से सिग्नल आया था और वो सिग्नल साइनेप्स में कैसे ट्रांसफर हुआ था, कैसे ट्रांसफर हुआ था, ये बीच में साइनेप्स है ना, बीच में साइनेप्स है, तो इस यहाँ तक सिग्नल आया, फिर आगे कैसे ट्रांसफर किया गया, न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए। भाई न्यूरोट्रांसमीटर कह रहा है यहाँ पर नेहा, क्यों नहीं बोले आप, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए हैं, जैसे ही सिग्नल आएगा ये न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्स में चले जाएंगे, है ना, समझ में आया नेहा मानसी, समझ में आया। जैसे ही प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के एक्जोन टर्मिनस पे सिग्नल आया, एक्जोन टर्मिनस पे सिग्नल आया, तब क्या हुआ, पहली इवेंट सिग्नल आया एक्जोन टर्मिनस पर, दूसरी इवेंट जो न्यूरोट्रांसमीटर से भरे हुए बैग हैं वो खाली कर दिए गए न्यूरोट्रांसमीटर को, तीसरी इवेंट न्यूरोट्रांसमीटर जो है साइनेप्स के अंदर चले गए, साइनेप्स में चले गए तो यहाँ पर क्या है, लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स है, कौन से चैनल्स है, लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर जाकर के इसकी रिंग बेल बजाएंगे, मतलब इसको ओपन अप करेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे, लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स को बाइंड करते हुए उसके ऊपर उसको खोल देंगे, ठीक है। जब वो खुल जाएंगे तो नेहा क्या होगा, हाँ सोडियम, क्या जब घंटी बजाई गेट खुला तो क्या हुआ, सोडियम आयन अंदर की तरफ जाएंगे, तो सोडियम आयन भैया अंदर की तरफ चलेंगे, सोडियम आयन अंदर की तरफ आ गए। जब सोडियम आयन अंदर की तरफ आएगा तो क्या होगा, इसकी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज होगा, पहले कितना था, -70 था, ठीक है, -70 था। जैसे ही सोडियम आयन अंदर आए तो अब जो है चार जो है फर्क आएगा उसमें और पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा चला जाएगा, और कितना चला जाएगा, -35 चला जाएगा। जब यह -35 चला जाएगा तो इसको हमने नाम दिया है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, क्या नाम दिया है, -35 मिली वोल्ट थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ये जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है ये एक ऐसा पोटेंशियल है जो कि सफिशियंट है, यहां पर भी कुछ चैनल्स लगे हुए होंगे, इसकी मेम्ब्रेन पे जो है चैनल्स लगे हुए होंगे, किसकी, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे, ठीक है। तो जब सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल लगभग ये जो है सोडियम आयन अंदर की तरफ आ गए, यहाँ से सारे अंदर की तरफ आ गए ना, ठीक है, चेंज होता होता यहाँ पर जो है ये 60 हुआ होगा,
ठीक है, फिर धीरे धीरे यहाँ पर जो है ये पहुँच गया होगा लगभग -35। ठीक है, ये एक्जोन हाइलोब था, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी ना, याद नहीं आई, भूल गए, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? नेहा कहाँ हो तुम, बाहर क्या देख रहे हो? न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, भूल गए भाई? तुम क्यों नहीं आए, तुम्हारी गलती है, मेरी गलती। अरे न्यूरॉन को मैंने इस तरह से दिखाया हुआ है, ऐसी तो है न्यूरॉन। इसको मैंने ऐसे सीधा लगा दिया, ठीक है, तो ये जो ये डेंड्राइट सिग्नल है ना, ये है, ये ठीक है, थोड़ी वो दिखने में थोड़ा अलग लग रहा है लेकिन है ये, ठीक है मानसी, ये अभी खड़ी है न्यूरॉन, ये हमने लेटा दी, ये सो रही है, ठीक है, और सो रही है तो इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था, 70 था। जैसे सोडियम आयन अंदर गए तो इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल धीरे धीरे, जैसे जैसे सोडियम आयन अंदर आते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे इसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो धीरे धीरे पॉजिटिव होता चला जाएगा। जब कितना हो जाएगा, -35, तो ये सफिशियंट है इन चैनल्स को खोलने के लिए। तो जैसे ही -35 यहाँ पहुँचा, -35 जैसे यहाँ पहुँचा, ये चैनल खुल गए, ठीक है, और सोडियम आयन तेजी से अंदर की तरफ आने लगा, ठीक है, समझ में आया? तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल का काम क्या है, ये सफिशियंट है टू ओपन द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, ठीक है, ये कौन से चैनल्स है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, ठीक है, तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ने किसको खोल दिया, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को, ठीक है, तो अब और तेजी से सोडियम आयन अंदर आएंगे, और तेजी से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो ये किसके प्रति सेंसिटिव थे चैनल, लिगेंड के प्रति, न्यूरोट्रांसमीटर के प्रति, और ये किसके प्रति सेंसिटिव है चैनल, वोल्टेज के प्रति, जैसे वोल्टेज में फर्क आए ऐसे ही ये खुल जाए, लेकिन वो खुले कब, जब -35 जाएगा, अगर -40 भी हो ना तब भी ये खुलेंगे नहीं, इतना भी आप ध्यान रख लो, ठीक है, सपोज करो सोडियम आयन अंदर आए और ये -70 से चला गया -40, यहाँ का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, सपोज करो अगर -40 चला गया तब भी ये चैनल खुलेंगे नहीं, इसको -35 ही आना पड़ेगा तो ये खुलेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, सोडियम आयन इतने अंदर आए, ठीक है, इतनी कंसंट्रेशन में अंदर आए कि अंदर का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -35 तक जाना चाहिए, एक बार -35 पहुंच गया तो वो सफिशियंट है टू ओपन अप द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, समझ में आ गया? जैसे ही मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -70 से ड्रॉप डाउन होकर के जाएगा -35, तो वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है एंड इट इज सफिशियंट टू ओपन अप द वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स, ठीक है, तो जैसे ही -35 आएगा ये चैनल खुलेंगे और सोडियम और तेजी से अंदर की तरफ आना शुरू होगा, ठीक है, तो ये एक -35 आप क्या कह सकते हो, -35 एक मिनिमम पोटेंशियल है टू ओपन अप द वोल्टेज गेटेड पोटेशियम सॉरी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, ठीक है, अब ये जो है -35 जैसे हुआ वैसे ही जो है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुले, सोडियम आयन अंदर आए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, मतलब -35 से जो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो कितना चला जाएगा, -60, समझ माया, -60
समझ में आया कैसे आया प्लस 60, कैसे आया प्लस 60? भाई माइनस 70 था ना, धीरे धीरे माइनस 35 आया, फिर जो है माइनस 10 आया होगा, माइनस 10 के बाद जीरो भी आया होगा, जीरो के बाद जो है एक तरह से प्लस 10 आया होगा, प्लस 20 आया होगा, प्लस 30 आया होगा, प्लस 50 आया होगा, प्लस 60 आया होगा। सोडियम आयन्स की कंसंट्रेशन अंदर की तरफ बढ़ रही है, समझ रहे हो ना, सोडियम आयन्स की कंसंट्रेशन अंदर की तरफ बढ़ रही है, पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ बढ़ रहा है, इस वजह से जो है जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो चेंज हो रहा है, चार्ज है वो चेंज हो रहा है, समझ में आया। सोडियम आयन्स की अंदर की वजह से, क्योंकि सोडियम आयन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जब पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ भागेगा तो अंदर का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज होगा, चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, तो काहे नहीं बोल रहे हो आप लोग। तो जैसे ही ये प्लस 60 जाएगा इसको हम कहेंगे एक्शन पोटेंशियल, इसको हम क्या कहेंगे, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक चीज हमें क्लियर हुई, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या था, माइनस 70, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या था, माइनस 70, मतलब जब न्यूरॉन सेल सोई हुई है, जब न्यूरॉन सेल सोई हुई है तो उसका चार्ज कितना है अंदर का, माइनस 70। जैसे ही कोई आया, इसने इसको रिंग बेल बजाई, सोडियम आयन अंदर की तरफ आना शुरू हो गए, मतलब चहल पहल शुरू हो गई, अंदर का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज होने लगा, चेंज होता होता जो होता जो है, अभी आधी उठी, माइनस 35 तक गई, आधी उठ गई, आधी न्यूरॉन सेल उठ गई, मतलब अब जैसे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो कैसी कंडीशन थी, एक पोलराइज्ड कंडीशन थी, कैसी कंडीशन थी, पोलराइज्ड, अंदर की तरफ सारा नेगेटिव, बाहर की तरफ सारा पॉजिटिव। जैसे ही धीरे धीरे ये सोडियम आयन अंदर की तरफ जाएंगे तो पोलराइजेशन से जो कंडीशन है वो किस तरफ जाएगी, डीपोलराइजेशन की तरफ, पोलराइजेशन खत्म हो रहा है, डीपोलराइजेशन कंडीशन आ रही है, ठीक है, समझ में आया। अब जब ये प्लस 60 तक पहुंच जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्शन पोटेंशियल। अब 60 मिलीवोल्ट के ऊपर, इससे ऊपर नहीं जा सकता चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर जो है इसके जो सोडियम के गेट हैं ये बंद हो जाते हैं। जैसे ही प्लस 60 पहुंचा तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल गेट इनएक्टिवेटेड, जो सोडियम आयन के गेट खुले थे किस पर, माइनस 35 पर, खुले कब थे, माइनस 35 पर, बंद कब हो जाएंगे, प्लस 60 पर। जैसे ही प्लस 60 गया बंद हो गए, तो आप ये भी लिख दो कि जो है एट प्लस 60 मिली वोल्ट लिख दो, एट प्लस 60 मिली वोल्ट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल गेट इनएक्टिवेटेड, एट प्लस 60 मिली वोल्ट, एट प्लस 60 मिली वोल्ट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल गेट इनएक्टिवेटेड, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल गेट इनएक्टिवेटेड, तो ये बंद हो जाएंगे, या क्लोज लिख दो, जैसे भी करना है तुम्हें कर लो, गेट क्लोज लिख लो या इनएक्टिवेटेड लिख लो। तो भैया अब जो है इससे ऊपर चार्ज नहीं जाएगा, मतलब प्लस 70 नहीं होगा, क्योंकि अब जो है सोडियम आना बंद हो गए हैं, क्योंकि उनका गेट जो है बंद हो गया है, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल हमारा जनरेट हो गया है, यानी कि पहले यहाँ तक क्या था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल माइनस में था, अब जो है अंदर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर की तरफ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो गया, पानी ये उल्टा हो गया है ना, अब क्या हुआ, उल्टा हो गया, पहले माइनस पहले अंदर की तरफ था और पॉजिटिव बाहर की तरफ था, अब पॉजिटिव अंदर की तरफ है और नेगेटिव बाहर की तरफ, उल्टा हो गया ना इसका, किस वजह से हुआ, सोडियम की वजह से हुआ। अब प्लस 60 पे ना एक और कंडीशन आती है,
ठीक है, प्लस 60 पे एक और कंडीशन आती है, प्लस 60 पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है, प्लस 60 पे क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और दूसरा क्या होता है, जो पोटेशियम चैनल है वो खुल जाते हैं, ये बंद हो जाएंगे, और पोटेशियम के चैनल है, सपोज करो इनमें से ये पोटेशियम का चैनल है, ये भी पोटेशियम का चैनल है, ये पोटेशियम का चैनल है और ये भी पोटेशियम का चैनल है, तो जैसे ही प्लस 60 पे गए ये तो बंद हो गए, ये वाले बंद हो गए, ठीक है, लेकिन ये वाले खुल गए, कौन से वाले, पोटेशियम चैनल, तो आप क्या लिखोगे, एट प्लस 60 मिली वोल्ट, एट प्लस 60 मिली वोल्ट द वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स एक्टिवेट, एट प्लस 60 मिली वोल्ट, एट प्लस 60 मिली वोल्ट वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स एक्टिवेट, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स गेट एक्टिवेट, तो जैसे ही पोटेशियम के चैनल एक्टिवेट होंगे तो पोटेशियम का इफ्लक्स स्टार्ट होगा, मतलब पोटेशियम बाहर की तरफ जाएंगे, पोटेशियम बाहर की तरफ जाएंगे, बाहर की तरफ, ठीक है, पोटेशियम कहाँ की तरफ जाएंगे, बाहर की तरफ, तो अब पोटेशियम आयन बाहर की तरफ जाने लगे और ये डर के मारे इतने बाहर चले जाएंगे कि कंडीशन कैसी आ जाएगी, हाइपरपोलराइज आ जाएगी, अब समझ रहे हो, अब हुआ क्या है, यहाँ पर ये पॉजिटिव आयन्स बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जब ये पोटेशियम आयन्स बाहर की तरफ जाएंगे तो फिर जो है जो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल था प्लस 60, अब ये दोबारा ड्रॉप डाउन होगा, वापस उसी स्टेट में आएगा, मतलब प्लस में 60 से डाउन होगा ड्रॉप डाउन, और प्लस 50 आएगा, प्लस 40 आएगा, प्लस 30 आएगा, प्लस 20 आएगा, धीरे धीरे घटता जो है प्लस 10 आएगा, फिर माइनस पे चला जाएगा, माइनस जो है 30, माइनस 40, माइनस 60 और माइनस 80 तक चला जाएगा, पहले जो हुआ अब उसी की बैक स्टोरी दोबारा चल रही है, सोडियम की वजह से प्लस 60 आया था और पोटेशियम की वजह से माइनस में चला गया दोबारा, सोडियम की वजह से प्लस में आया था और पोटेशियम की वजह से माइनस में चला गया दोबारा, ठीक है आ जाओ, लेकिन कितना माइनस में चला गया, -70 को भी क्रॉस करके प्लस -80 चला गया, कितना माइनस में चला गया, -70 को भी क्रॉस करते हुए वो कितना चला गया, -80, ठीक है, अब ये जो कंडीशन है कि -70 को भी क्रॉस करते हुए वो -80 चला गया, इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरपोलराइज, जब तक सेल थी -70 पे तो इसको हम नाम दे रहे थे पोलराइज, जब तक हम नाम दे रहे थे पोलराइज्ड, लेकिन जैसे ही -70 को भी क्रॉस किया पोटेशियम की वजह से उसको हमने क्या नाम दे दिया, हाइपर पोलराइज, ठीक है, हमने क्या नाम दे दिया, जब -80 पहुंच जाएगा पोटेशियम ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बाहर की तरफ चले जाएगा, अंदर की तरफ दोबारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इतने बाहर की तरफ चले जाते हैं कि अंदर की तरफ जो है नेगेटिव चार्ज हो जाता है, इतना नेगेटिव चार्ज हो जाता है कि -70 को क्रॉस करते हुए ये जो है -80 पहुंच जाता है, इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपर पोलराइज, क्या कहेंगे, हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है, समझ में आया हाइपर पोलराइजेशन किस वजह से हुआ, पोटेशियम की वजह से, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बाहर की तरफ चले गए, डर के मारे इतनी कंसंट्रेशन में ये बाहर निकल जाते हैं कि अंदर का जो चार्ज है वो नेगेटिव हो जाता है, बाहर का पॉजिटिव हो जाता है, और इतना नेगेटिव हो जाता है कि -70 भी क्रॉस हो जाता है, -80 आ जाता है, कंडीशन मतलब हाइपर वाली हो जाती है, हाइपर पोलराइज हो जाता है, ठीक है, -70 को हम पोलराइज कह रहे थे, ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, कोशिका जो है सोई हुई है, अब ये इतनी सो जाती है कि -80 पे चली जाती है, मतलब कोमा में चली गई, ऐसे समझ लो आप, ठीक है, अब इसको कोमा से उठाने के लिए, मतलब -80 को अब दोबारा रेस्टिंग पे ले जाना है ना, मतलब
मेरा कहने का मतलब यह है कि कैसे समझाओ आप लोगों को, बस इतना समझ लो कि फिलहाल कंडीशन कैसी होगी, हाइपर पोलराइज होगी ड्यू टू दी इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन्स। पोटेशियम आयन के बाहर जाने की वजह से, इतनी कंसंट्रेशन में बाहर जाने की वजह से जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो चार्ज जो है कितना हो गया, -80 हो गया। अब इसको दोबारा वापस करेंगे कैसे, कुछ ओपन पोटेशियम चैनल होते हैं, ठीक है, कुछ ओपन पोटेशियम चैनल होते हैं, तो गए तो नहीं वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल की वजह से, लेकिन आए नहीं है ओपन पोटेशियम चैनल की वजह से, ठीक है। इसको दोबारा वापस लाया जाता है और मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो दोबारा 70 आ जाता है। एक बार दोबारा रिकैप करेंगे।